Hey, Kishore, wake up, man. कहाँ पहुंचे यार? We are in Mumbai. Namaste Mumbai. So let's begin this episode with a beautiful view of Bandra Worli Sea Link. हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस वक्त हूँ मुंबई का सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग, एक तरफ है गेटवे ऑफ इंडिया. एज यू नो कि ये सब लाइक गेटवे ऑफ इंडिया हैज़ अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम. एंड बिहाइंड मी यू सी दिस ह्यूज फाइव स्टार प्रॉपर्टी which is the status symbol of India and one of the most beautiful hotels in the world of the Tata Group Hotels, the Taj Mahal Hotel. So, ab is area mein mere saath ek friend hai. I have a friend who is actually a Mumbaikar. Jo he has witnessed the incident that took place 2 years back, jo hum sabke memory mein hai. Aur aap keh sakte hain ki it's been several years. Har saal jab November 26 hota hai. तो हम इस चीज को कभी वी विल नेवर फॉरगेट दिस. सो मेरे साथ जुड़े हुए आज निखिल जी. सो निखिल जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज यू सी लाइक बिहाइंड अस इज द ताजमहल होटल एंड दैट नाइट दैट इंसिडेंट. सो वो थोड़ा सा नैरेट करना चाहते हैं कि क्या हुआ था और हाउ दिस इंसिडेंट टू मतलब incident took place in several places, but मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि I mean what has he witnessed? वो उन्होंने क्या देखा था and what memory does still he have? Hi, good evening. Good evening. So you are a Mumbaikar? Yes. So आप कहाँ रहते हैं? Which part of Mumbai? Malabar Hill. Oh, Malabar Hills. Yeah. Lovely. And are you proud to be a Mumbaikar? Of course, yes. Three reasons why you should be, why are you proud to be a Mumbaikar? Of course, I born here, so that is one of the reason you can say. And where I stay, there is no rickshaw and there is no traffic. There is very less. Okay. People say it's a dead city, but still we love it because there is no traffic. Lovely. So Nikhil ji, उस रात को क्या हुआ था और क्या आपके मेमोरी में आज भी है जो आप कभी भूल नहीं सकते? On same day, I was मैं Regal Theatre में. I reached at 9:15 और तभी उन लोगों ने डोर क्लोज करना शुरू कर दिया. मुझे नहीं पता था क्या हुआ. जब मैं थिएटर के अंदर बैठा था, जो टेररिस्ट लोग हैं, मुझे पता ही नहीं था कुछ भी. Okay. मैं थिएटर के अंदर से भी बैठा था, मेरे फादर के कॉल आना शुरू हो गए मेरे पे. ओके. एंड ही वाज टेलिंग मी कि भाई ऐसा सब लियोपोल्ड पे हुआ है, कैफे पे, और तू सेफ है कि नहीं है.
क्योंकि उनका जैसे वो टीवी देख रहे थे तो वो बोल रहे थे कि भी उनका नेक्स्ट टारगेट शायद रीगल भी हो सकता है क्योंकि रीगल में ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आई वॉज वॉचिंग दोस्ताना 9:30 शो, 9:30 टू 12 का उनका टाइमिंग था। तो डोर क्लोज हुआ, मुझे अनयूजुअल ज़रूर लगा, मगर आई वॉज नॉट इन कि भाई क्या हो रहा है। When I sat in the theater, then I came to know because my father called me again and again. He was scared कि भाई मैं सेफ हूँ कि नहीं, मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सेफ है कि नहीं है। So the thing was that, and when I was going back at around 12:15, when I was going from Chowpatty, so I saw one Hyundai car in front of me. एंड उसके आगे और एक कार थी स्कोडा। सो अराउंड 200 मीटर्स का डिफरेंस होगा। तो 200 मीटर्स के डिफरेंस पे जब भी मैंने देखी वो कार, इट इज दे आर, जब पुलिस ने स्टॉप किया तो वो लोग ट्राई टू Take a U-turn from a divider, not from the road. So that's इतना suspicious मेरे mind में आ गया कि ये क्या हो रहा है। तो मैं 100 मीटर पहले ही स्टॉप हो गया और अचानक शूटिंग स्टार्ट हो गई पुलिस की और इनकी। तो मेरे को वो नहीं दिख रहा था कि अंदर कसाब है, मगर देर वॉज ये शूटिंग स्टार्ट हो गई ये मेरे को समझ में आ गया। तो मैं वहाँ से यू टर्न मार के मैं फिर पीछे के रास्ते से पूरा घूम के आई रीच्ड माई हाउस। And my father was very scared at that moment of time. So do you think Mumbaikers are now strong? हम सब strong हैं। Strong तो अभी वो होना ही पड़ता है। So we are staying in, so वो तो कहीं पे भी कुछ भी होना है। So it's part and अभी हो गया वो हो गया। So now we are taking care. So are you confident of the cops in Mumbai? Are you confident? Mumbai cops are excellent, but they don't have arms to fight with that kind of criminals. During that time. But do you think since then, उसके बाद तो कोई अटैक वटैक नहीं हुआ है हमारे, कुछ अटैक नहीं हुआ है, so we can say things are better now, right? Things are much better. So are you happy with the safety and standards in our monuments like Taj Mahal Hotel or Gateway of India or Victoria Terminus? We have all the faith on the government and all the things. Mm-hmm. But still we don't know what going to be happen because kitni bhi aap security laga do magar jisko bura karna uske liye usko ek chance chahiye aur inko khali ek chance chahiye aur bachane inke paas hazar plan rehte hai to usme agar ek bhi miss ho gaya police se by mistake to apne police pe blame karte hai. that should not be done kyunki ye log itni mehnat karte hai usme ek कुछ हो सकता है। तो हमेशा अपने जब पुलिस पे करते हैं कि भाई नहीं इनकी गलती है, मगर ये लोग का हजारों प्लान में एक प्लान कोई सक्सेस भी हो सकता है जिसमें हम भी एक विक्टिम हो सकते हैं। तो अपने को हमेशा हो सके तो पुलिस की मदद करो कि भाई आपको कुछ ऐसा दिखे तो आप बोलो, मगर डोंट जस्ट ब्लेम ऑन पुलिस एवरी टाइम। दिस इज वॉट आई थिंक, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, आई डोंट नो। ओके, सो निखिल जी आप एक मुंबईकर हो, सो मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई मुंबई में आए टॉप 3 चीज जो आप रेकमेंड करना चाहिए, जो मस्ट विजिट सेंटर है, तो मोस्ट विजिट सेंटर जो आपको लगता है टॉप 3 थिंग्स दैट यू वुड रेकमेंड। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग अबाउट मुंबई, इट्स अ 7500 ईयर पुरानी हिस्ट्री है बॉम्बे की। तो किसी को मैं अगर 7500 साल पहले की बोलूंगा कि हिस्ट्री है तो कोई बोलेगा कि बिलीव नहीं करेगा, इट इज इम्पॉसिबल। बट देयर इज अ बाल गंगा टैंक करके एक प्लेस है साउथ बॉम्बे में ही, सो जहाँ पे राम भगवान अपने वनवास पे जब आ रहे थे, वनवास पे थे 13 साल के, तो तभी वहाँ पे उनको पता चला उनका पिताजी का देहांत हुआ, तो उन्होंने उनको वो बाथ लेना था, तो वहाँ पे तो पूरा सराउंडेड विद सी, तो तभी लक्ष्मण ने बाण मार के वहाँ पे पानी निकाला, तो इट कॉल अ बाल गंगा फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स। सो यू शुड विजिट दैट प्लेस बिकॉज सब लोग यहाँ पे बॉम्बे आते हैं देखते हैं कि भाई ये गेट ऑफ इंडिया देखते हैं, बाकी सब देखते हैं, मगर जो मेन जो हिस्ट्री है वो नहीं देखते वो नहीं देखते हैं।
ओके सो डू यू नो व्हाट व्हाई डू वी कॉल देम मुंबई, मुंबई नाम का क्या सिग्निफिकेंस है? एक्चुअली द मुंबई नाम एक्चुअली ओरिजिनल है ही नहीं, एक्चुअली इट्स अ मुंबा देवी इज द रियल, उनके ऊपर से ये नाम गिरा. तो एक्चुअली मुमरा बोलते थे पहले. मुंबई तो एक्चुअली मुंबई तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से जैसे बॉम्बे रख दिया, तो मुंबई इज ऑल्सो नॉट अ रियल ओरिजिनल नेम. द रियल ओरिजिनल नेम इज कैप फ्रॉम मुंबई देवी, जो देवी थी उनके ऊपर से, देवी के ऊपर. तो मुमरा बोलते थे पहले, कभी भी इट इज नेवर मुंबई. मुंबई थे इन लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुंबई रखा. एक्चुअली इट्स अ मुमरा. ओके सो निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आई विश यू अ लवली इवनिंग अहेड. यू टू. ये ताज होटल कहानी बताने से पहले मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ. दरअसल बात उन दिनों की है, जमशेद जी नुसरवंजी टाटा जो टाटा ग्रुप की स्थापना किए थे, वो कई दफ़ा ब्रिटेन जाया करते थे. उन दिनों की बात है दोस्तों, उस समय ब्रिटेन में यूरोपियन लोगों को अलाउ किया जाता था बड़े होटल में, और ये बात उनको बहुत ही बुरा लगता था. और एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक होटल उनको अंदर जाने से रोक लगा दिया, और उस बात पे वो बहुत ज़्यादा भड़क गए. जैसे वो वापस आए तुरंत ही उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि मुझे तो एक 5-स्टार होटल बनाना है, जिसका नाम है ताज महल होटल, बिल्कुल 1600 किलोमीटर दूर आगरा, जहाँ पर ताज महल है. तो दोस्तों वक्त हो चुका है आज का एपिसोड को यहाँ ख़त्म करने का, और मैं आशा करता हूँ दैट यू लव्ड एंड एन्जॉयड दिस एपिसोड. प्लीज़ राइट इन कमेंट्स एंड प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द बजट ट्रैवलर इन ऑर्डर टू गेट ऑल द लेटेस्ट टिप्स अराउंड द वर्ल्ड. Wearing mask. Hello. One of the best food है पाव भाजी, है ना? तो यार मैं आ जाऊँ क्या? जाओ. I should stand here. Then we will get triple meat, double meat. And ragda patties. Char center. So they make ice gola. Ice. They put ice and they like. YouTube चैनल में आने वाला है. अच्छा दिस इज कुल्फी.